गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और देखिए, ये एक खूबसूरत सा पार्क है एनकेडीए के द्वारा बनाया हुआ, जो कि नेताजी पार्क है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जीवन से संबंधित, उनके जीवन के अनेक रंग यहाँ पे चित्रों के माध्यम से इस पार्क में दिखाया गया है। छोटा सा पार्क है लेकिन खूबसूरत है, इंस्पायरिंग है। उनके जीवन को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस पार्क से। बच्चों को कभी न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 की तरफ आए तो ये ठीक सेंट्रल मॉल के पीछे है, यहाँ कभी आके ज़रूर दिखाएं। मुझे तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है इस पार्क में। इसका टाइमिंग हर समय खुला ही रहता है, ये सुबह से शाम तक खुला रहता है पार्क। चलिए पार्क के अंदर क्या क्या है देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे स्लाइड पैनल बने हुए हैं, कुल 20 स्लाइड पैनल इस तरह के बने हुए हैं, जिनमें नेताजी के जो लाइफ है उनके वेरियस फेजेस को दिखाया गया है। बचपन से लेके बचपन के दिनों का यंग स्टेज जब था उनका, उसके बाद उनके स्ट्रगल के दिनों का, उसके बाद फ्रीडम फाइट के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, जो आज़ाद हिंद फौज बनाया, उन सब की जो रेयर पिक्चर्स हैं यहाँ पे दिखाया गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से उनके जीवन को देखने समझने का एक अच्छा मौका मिलता है। बता दूं कि ये पार्क NKDA न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनवाया गया है, जो ठीक न्यू टाउन बिजनेस क्लब के अपोजिट में है, सेंट्रल मॉल के पीछे है। पार्क पूरी तरह से नेताजी के थीम पे है, उनके लाइफ को दिखाता है। ये पार्क बना था जब नेताजी का 125th बर्थ एनिवर्सरी था, उस पर ये इसका उद्घाटन किया गया था और न्यू टाउन के लोगों के लिए ये खोला गया था। ये न्यू टाउन क्या सभी के लिए है, ये ओपन पार्क है, सुबह से शाम तक खुला ही रहता है, इसका कोई एंट्री फी नहीं है। मोस्टली इसमें ये स्लाइड्स के द्वारा एक तरह से पिक्टोरियल व्यू है, जो कि ये 3-4 सेगमेंट में डिवाइडेड है, जो उनके लाइफ के वेरियस फेजेस को दिखाया गया है। और बहुत ही रेयर पिक्चर्स हैं उनके जीवन से संबंधित। ये तस्वीरें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये पार्क में आपको दिखाई पड़ेगा। ये रियल पिक्चर्स हैं, रेयर हैं, मोस्टली उनकी ही पिक्चर हैं। लेकिन एक पिक्चर जहाँ पे मैंने देखा, उनकी वाइफ का भी पिक्चर दिखाया गया है। और इस पार्क में नेताजी का एक स्टैचू भी बना हुआ है। ये 15 फीट का स्टैचू है, और ये स्टैचू जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे उस समय का जो पिक्चर है उस पे आधारित ये स्टैचू बनाया गया है। और इसमें उनके जीवन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम रहे हैं उनको बहुत ही बारीकी से अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्क मुझे लगा, और छोटा है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़रूरी है इस तरह का पार्क का होना, जहाँ छोटे बच्चों को लेके आप आ सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं अपने महान स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी रहे हैं, उनके जीवन को देखने समझने और उनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। तो बच्चों पे इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा इस तरह के पार्क को देख करके। तो ये ऐसे पार्क को कभी इग्नोर ना करें, जब भी ये ऐसा पार्क दिखाई पड़े तो वहाँ पे बच्चों को लेके जरूर आएँ। और ये एक बहुत ही बेहद ही खूबसूरत पार्क है, छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मैंने इसे वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश किया। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि न्यू टाउन या और उसके आसपास कुछ यूनिक चीज़ें हो जो कि लोग नॉर्मली यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल हो, तो वैसे चीज़ों को दिखाया जाए जो कि लोग न्यू टाउन में रहते हुए भी जिसको पता नहीं है। जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए तो एक नया चीज़ ही होगा।
तो अगर इस तरह के वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा और फ्यूचर में और वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा। और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।